परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। पुण्य पिता मार इवानियोस की पवित्र स्मरण के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं। 15 जुलाई ईश्वर के सेवक, एकता के पैगंबर, कलीसिया के प्रेमी और पवित्रता के मार्ग पथ पर निर्भर होकर चले मार इवानियोस का स्मृति। ईश्वर के सेवक मार इवानियोस वह शिक्षक है जिन्होंने प्रार्थना के मंत्रों द्वारा जीवन के पवित्र तरीकों में एकता के ज्वलंत टुकड़े बनाए। मार इवानियोस एक महान तपस्वी कर्मयोगी थे जो उस कलीसिया से प्यार करते थे जिसमें उनका जन्म हुआ, और उन्होंने अपना जीवन उस कलीसिया की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। यह पिता के मसीह की कोमलता का चेहरा था जिसने उन लोगों को इकट्ठा किया जो कलह की गोद में अपना रास्ता खो चुके थे और उन लोगों की तलाश में निकल पड़े जो भटक गए थे। तब भी जब दिल की चलन में बाधाओं और प्रतिकूलताओं की राग जल रही थी, मार इवानियोस वैश्विक कलीसिया की तुलना एक महान वृक्ष से करते हैं और इसकी प्रत्येक शाखा के तने से जुड़ी एकता की बात करते हैं। तने के निकट रहे बिना शाखाएं कभी भी ठीक से फल नहीं दे पाती, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ऐसा होता है तो कलीसिया में विभाजन हमेशा अलग अलग शाखाओं की समाप्ति के बराबर होगा। 21 सितंबर साल 1952 को प्रकाशित अपने देहाती पत्र में मार इवानियोस पिता ने लिखा, मलंकर पुनर्मिलन की कल्पना मार इवानियोस ने इस तरह से की थी कि मलंकर चर्च स्वतंत्र रूप से और सीधे रोमन पितृसत्ता के तहत बैठेगा, जैसे अंतियोक की कैथलिक शाखा कार्य करती है, रोम में सन पत्रोस के सिंहासन के संबंध में जो एकता का केंद्र है। एक व्यक्तिगत चर्च की पहचान को संरक्षित करते हुए मलंकर चर्च रोम के पोप के अधीन स्थापित एक चर्च बन गया जो कैथलिक चर्च के सार्वभौमिक समुदाय में विशेष एकता का केंद्र था। मार इवानियोस पिता के जीवन पर नजर डाले तो चर्च के दृष्टिकोण में तीन मुख्य बातें नजर आती है। पहला, एक व्यक्तिगत चर्च के भीतर एकता होनी चाहिए। दूसरा, कैथलिक चर्च के विभिन्न व्यक्तिगत चर्चों के बीच एकता होनी चाहिए। तीसरा, यदि इस दुनिया में ईसाई धर्म प्रचार का कार्य पूरा करना है तो कैथलिक चर्च और इंट्रा कैथलिक चर्च के बीच उचित एकता होनी चाहिए। पुनर्मिलन इन तीन स्तरों पर एकता का एक साथ आना है। मार इवानियोस पिता का जीवन, जिन्होंने एकता के सीधे रास्ते पर चलकर ईश्वर के हृदय में स्थान पाया, कई वर्षों के बाद भी एक पवित्र स्मृति बनी रहेगी। हमें इस प्रकार चर्च में एकता के दृष्टिकोण को भी स्वीकार करना चाहिए। आइए हम इस युग में चर्च की एकता के पैगंबर बने जैसे कि पिता ने हमें दिखाया है। देवदास मार इवानियोस पिता हम सबके लिए मध्यस्थ करें।